नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। आज लालबाग के राजा को विदाई दी जा रही है और पूरा मुंबई गणपति बप्पा के नारों से गूंज उठा है। गिरगांव चौपाटी से हमारे संवाददाता विनय तिवारी भी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को विदाई देने का सिलसिला आज सुबह तक भी जारी है और आज लालबाग के राजा को विदाई दी जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं विनय तिवारी का। विनय, कैसी तस्वीरें हैं और कैसा माहौल, चूंकि आज लालबाग के राजा को अंतिम विदाई दी जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, आपको बताऊं, अब से थोड़ी देर पहले ही लालबाग का राजा जो है वो गिरगांव चौपाटी पे कदम रख चुका है, क्योंकि कल सुबह से ही जो है वो मूर्ति निकल चुकी थी, लेकिन अब जो जाके आज सुबह पहुंचा है गिरगांव चौपाटी पे। अब से थोड़ी देर बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी बप्पा का विसर्जन करने की। बस यही अगले बरस तू जल्दी आ, इसी नारों के साथ जो है वो बप्पा को विदाई दी जाएगी। अभी भी जो कई पंडालों की गणपति बप्पा की मूर्ति है वो यहाँ पे आ रही है, तस्वीरें देख के आप राजा लगा सकती हैं। गिरगांव चौपाटी का ये नजारा है और अब लालबाग का जो राजा है वो धीरे धीरे जो विसर्जन का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उनके पीछे कई और पंडालों की बप्पा की मूर्तियां थी वो भी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कल से जो लगभग 2 लाख के ऊपर सार्वजनिक पंडालों की मूर्तियां थी वो यहाँ पे विसर्जन की जा चुकी है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे नजारा है, चूंकि कल से ही निकली थी और अब जाके गिरगांव चौपाटी की जो गिरगांव चौपाटी पे बप्पा की मूर्ति यहाँ पे पहुंची और विसर्जन का जो काम है वो चल रहा है। अगले बरस तू जल्दी आ इसी नारों के साथ जो भक्त वो नम आंखों से बप्पा को विदाई दे रहे हैं। शीरिन, बिल्कुल। और बात अगर मैंने लालबाग के राजा की करें तो यहाँ पर मुंबई में काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं लालबाग के राजा को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो जाहिर है आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे और इसे लेके इंतजाम भी खास किए गए होंगे, क्योंकि लोगों की भीड़, लोगों का बचपा एक तरीके से वहां पर लगा होगा। बिल्कुल, क्योंकि लालबाग का राजा काफी एक मान्यता होती है, काफी लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, जिसके चलते मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। लगभग 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे और जब लालबाग का राजा गिरगांव चौपाटी के तरफ पहुंचा तो लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके चलते मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी ताकि जो किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी साथ साथ में थी। जैसा कि आपने कहा कि इसकी लालबाग के राजा की मान्यता काफी ज्यादा होती है, लोग सिर्फ यहाँ विदेशों से लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, तभी भी आप देख सकते हैं ये लालबाग के राजा की विदाई के लिए ही दर्शक जा रहे हैं। इसके चलते मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। लाइफ गार्ड है, एनडीआरएफ की टीम है, ट्रैफिक पुलिस है, 40,000 से अधिक जो मुंबई पुलिस है वो ग्राउंड पे है चुकी है ताकि किसी भी तरह की जो है वो तकलीफों का सामना ना करना पड़े और बप्पा की जो मूर्ति है उन्हें एक अच्छे तरीके से विदा कर दिया जा सके ताकि वो इसी नारों के साथ कि अगले बरस तू जल्दी और लाखों की संख्या में लोग हैं वो बप्पा को विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल, और बप्पा को हर कोई यहाँ पर उनकी विदाई में शामिल होना चाहता है और अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ विदाई दी जा रही है गणपति को पूरे मुंबई में। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल से ही आप सोचिए कि कल से ही लालबाग के राजा की ये सवारी निकली और गिरगांव चौपाटी तक इसको पहुंचना है, जिसके बाद वहां पर विदाई दी जाएगी, विसर्जन होगा गणपति बप्पा का। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु अलग अलग इलाकों से भी पहुंचते हैं, मुंबई के अलावा भी दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। और इस बार के लालबाग के राजा और भी खास थे, क्योंकि अलग तरीके से पूरे पंडाल को सजाया गया था, अलग अलग थीम दी जाती है हर बार। इस बार ये थीम चंद्रयान से प्रेरित थी और चंद्रयान जैसा, अंतरिक्ष जैसा पूरा माहौल उस पंडाल में देखने को मिल रहा था। विनय, अभी तस्वीरें भी हम देख रहे थे, शायद मौसम भी वहां पर खराब है, बारिश भी हो रही है और कल निकली थी बप्पा की सवारी, अब तक नहीं पहुंच पाई या पहुंच चुकी है?
बिल्कुल, मुंबई में कल से जब विसर्जन का वक्त शुरू हुआ तो उसके साथ ही मुंबई में लगातार धीरे धीरे बरसात हो रही है, और अभी भी अगर आपको हाल बताऊं तो मुंबई में बरसात हो रही है। लेकिन आप भक्तों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका उत्साह कितना ज्यादा है। और अब से थोड़ी देर पहले ही बप्पा की जो लालबाग का राजा है वो गिरगांव चौपाटी पे कदम रख चुका है। बस थोड़ी ही देर में जो चौपाटी पे पहुंचेगी उसके बाद से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। कल से ही मुंबई में लगातार बरसात हो रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पे उमड़ चुके हैं। लाखों की संख्या में भीड़ हुई है, जिसके चलते मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। और आपको बताऊं कि आप चौपाटी पे जो है वो लालबाग का राजा पहुंच चुका है, बस अब उसे बोट के जरिए जो है वो विदाई दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मौसम खराब हो, मौसम किसी भी तरीके का हो, लेकिन जो भक्तों का उत्साह है वो कम ना यहाँ पे नजर नहीं होता ना आ रहा है। और यही वजह है कि लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में आ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, और लालबाग के राजा को यहाँ पर आखिरी विदाई दी जा रही है इस उम्मीद के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय, और ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।